नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित अपडेट है वो क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उन्होंने अपने एग्जाम को, फाइनल एग्जाम को स्थगित कर दिया है, और वहीं पर कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम करवाने का भी फैसला किया है। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी भी ऐसा कोई फैसला कर दे और उसके बारे में आपको पता ही नहीं चले। तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी अपडेट देती है तो उसका तुरंत मैं जो वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में हम पहले ही जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को स्थगित कर रखा है, और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने का भी फैसला किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस के कारण सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो चौपट हो गई हैं, और मुख्य जो अलग अलग राज्य हैं इन्होंने यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं को स्थगित कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पांडुचेरी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं वो स्थगित की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी परीक्षाएं हैं वो स्थगित हो गई हैं। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर भी परीक्षाएँ स्थगित हो गई हैं, और राजस्थान में परीक्षाएँ हैं वो स्थगित हैं, ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा विस्तार से हम देखें, तो यहाँ देखें कि अनेक राज्यों की यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इस क्रम में केरल ने संक्रमण के मामलों में तेजी के मद्देनजर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने स्थगित नहीं किया, उन्होंने आगे बढ़ा दिया, और हमारे जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उन्होंने स्थगित कर रखा है एक बार। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा लेगी मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन परीक्षा लेगी। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटियाँ भी इस क्रम में कोई फैसला ले सकती हैं कि भाई हम भी ऑनलाइन एग्जाम ले लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा तय समय सारणी के तहत आयोजित करने का फैसला किया है। मतलब जो उनका टाइम टेबल था उन्होंने उसको स्थगित नहीं किया, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन परीक्षाएँ लेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासक के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते ऑनलाइन परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए यूनिवर्सिटी ने जिन परीक्षाओं के लिए समय सारणी टाइम टेबल घोषित किया था उसी समय सारणी पर वो अब क्या करेंगे, ऑनलाइन परीक्षाएं लेंगे। और इसके साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटियाँ भी ऐसा कर सकती हैं, तो आप इस अपडेट को आगे से आगे ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये सूचना पहुँच जाए और वो इसके प्रति सजग रहे कि जैसे ही ऐसा कोई टाइम टेबल आता है, कोई सूचना आती है, तो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए आप अपने आसपास इतने विद्यार्थी हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्प जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।